हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है भार्गव और आप देख रहे हैं भार्गव ब्लॉग्स एंड रिव्यूज़। तो दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ हीरो डीटीबी डर्ट ट्रेन बाइक का। ये एक एडल्ट साइकिल है और ये 26 इंच का साइकिल है और इसमें ज़रूरत के सभी चीज़ें हैं। इसमें गियर्स है, शॉक एब्जॉर्बर्स है और बहुत कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये मैं 5 साल से चला रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं मिला है। तो मैं ये साइकिल आपको रिकमेंड करता हूँ, आप भी इसे खरीद सकते हैं और दाम भी अफोर्डेबल है। जब मैंने इसको लिया था, एक्चुअली 5 साल पहले मैंने लिया था, तब इसका दाम था 9000, लेकिन अभी कम हो गया है। अभी आपको ये मिलेगा ऑनलाइन 6700 में। तो इसको खरीदने का बेस्ट बाय लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आप खरीद सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, मैं करने वाला हूँ इस साइकिल का रिव्यू। तो ये रहा मेरा साइकिल। तो इसमें आपको सभी कुछ मिल जाता है, जैसे कि शॉक एब्जॉर्बर्स है, सामने भी ये शॉक एब्जॉर्बर्स है और पीछे भी ये शॉक एब्जॉर्बर्स है। तो दोनों टायर्स के लिए आपको शॉक एब्जॉर्बर्स मिल जाएंगे और साथ ही इसमें गियर्स जो है, देखिए गियर्स है, ये टोटल 18 स्पीड आपको मिलता है, मतलब 18 गियर्स मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग गियर चेंज होता है और सामने का जो यहाँ पर है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 सेट है। तो सब कुछ मिला के 18 गियर्स हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये गियर लीवर है, अभी फ़िलहाल 5 नंबर पे है। आप ऐसे करके इसको गियर चेंज कर सकते हैं। आप जब रनिंग में होता है तब आसानी से चेंज होता है। तो ये हो गया साइड का व्यू। यहाँ पे लिखा है 26 इंच डीटीबी हीरो और डर्ट टेरेन बाइक। सामने हीरो का लोगो है और ये जो लाइट है ये मैंने आफ्टर मार्केट लगाया है, और पीछे जो ये लाइट्स है ये मैंने बाद में लगाया है। और जो सीट है, सीट का कलर बहुत ही अच्छा है, साइकिल के साथ मैच करके बनाया है। ये साइकिल ग्रीन और ब्लैक कलर में मिलता है और रेड एंड ब्लैक में भी मिलता है। तो ये देखिए, ये स्पीडोमीटर है, लेकिन ये भी मैंने आफ्टर मार्केट लगाया है और इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। ये स्पीडोमीटर आप किसी भी साइकिल में लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये फ्रिक्शन है, आप गियर्स जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं इसको घुमा के। उसके बाद दूसरे साइड में देखते हैं, राइट साइड में, तो देखिए यहाँ पर ये गियर लीवर है, अभी फ़िलहाल 5 नंबर पर है। आप ऐसे करके इसको गियर चेंज कर सकते हैं आप। तो ये हो गया फ्रंट ब्रेक और ये पीछे का ब्रेक। बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसमें आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलेगा, लेकिन जो ब्रेक है ये ब्रेक भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन आप आफ्टर मार्केट बाद में डिस्क ब्रेक लगा सकते हैं। ये सामने का व्हील, सामने का व्हील पे यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्रीन कलर है, दोनों साइड पर ग्रीन कलर था, लेकिन अभी 5 सालों में कम हो गया है, लेकिन जब नया था देखने में बहुत अच्छा लगता था। तो ये हो गया पीछे का टायर, यहाँ पर भी आप ग्रीन देख सकते हैं, दोनों साइड में ग्रीन है, लेकिन पुराने होते होते वो कलर चला जाता है। और ये जो साइकिल है ये लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए है। देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये कर्व है, तो लड़कियां आसानी से इसको भी चला सकती है और सीट का हाइट भी बहुत कम हो जाता है। तो ये जेंट्स एंड लेडीज़ दोनों के लिए बेस्ट साइकिल है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो शॉक एब्जॉर्बर है वो कैसे काम करता है। लेकिन सामने का जो ये शॉक एब्जॉर्बर्स है ये आपको ऐसे पता नहीं चलेगा, ये थोड़ा सा हार्ड है। ये तभी वर्क करता है जब साइकिल किसी गड्ढे से पार होता है। और ये साइकिल बहुत हल्का है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कितना हल्का है। तो ये था एक शॉर्ट रिव्यू मेरे साइकिल का। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो काम का लगा। तो जल्दी ही मिलते हैं एक दूसरे रिव्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।